हेलो फ्रेंड्स, ये आगे का ब्लॉगिंग है तो देखिए हम लोगों ने कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया। और ये मिष्टी का केक है, डॉल केक, जिसको मिष्टी की छोटी वाली बुआ ना कैंडल रख रही है उस पर। और बस अब केक कटने वाला ही है। लाइट आ चुकी है फ्रेंड्स, पर बारिश अभी भी हो रही है। और बारिश तो आज ना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम लोगों को बहुत टेंशन हो गई थी इसे पार्टी बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। सो फ्रेंड्स, केक टेबल पे लग चुका है देखिए। और बर्थडे गर्ल ना रेडी होके खड़ी है, ये देखिए अपने वाइट ड्रेस में। और सच में परी लग रही थी ये। और कैंडल के लिए हम लोगों ने कैंडल जलाया तो, पर कैंडल हम लोग ने फूका नहीं है, बुझाया नहीं है। और ये देखिए उसकी बुआ लगा रही है। और बस अब उसको टीका करेंगे और केक कट करेंगे। तो देखिए आगे हम लोग कैसे कर रहे हैं। और मिष्टी के बगल में ना मिष्टी की एक फ्रेंड है जो साथ में खड़ी है। बाकी बच्चे तो जल्दी आ नहीं रहे थे, पर ये लड़की आके खड़ी हो गई थी केक कटने के टाइम। और ये देखिए कैंडल लग चुका है। अब बस मिष्टी केक कट कर रही है, अपने पापा के हाथों से कटवा रही है। और देखिए केक किसको पहले खिलाती है ये। फ्रेंड्स, तो केक कट हो चुका है। और ये देखिए गेस्ट के लिए सारा ये प्लेट लग रहा है, हमारे जितने गेस्ट आए हैं ना उनके लिए ये केक कट हो रहा है। और ये बाहर बच्चे लेके जाएंगे, उनको सर्व करेंगे। और ये देखिए बाहर खाने के लिए भी तैयारी चालू है। और अभी बारिश रुक गई है फ्रेंड्स। और ये जो कैटर भैया लोग हैं तो ये टेबल लगाएंगे अभी। और खाना की तैयारी शुरू हो जाने के बाद ना अचानक से फिर से बारिश चालू हो गई थी फ्रेंड्स, बहुत तेज़। और ये देखिए ये खाना की टेबल की ना पूजा होती है, तो वो पूजा कर दे रही हैं इनकी छोटी वाली बुआ। फ्रेंड्स, टेबल की तो पूजा हो चुकी है। और सबसे पहले हम लोग ना ये भोग निकाले हैं, ये अपने मंदिर पे चढ़ाएंगे अपने साईं बाबा को। और मंदिर के सारी देवी देवताओं के लिए हम लोगों ने पहले भोग निकाला, उसके बाद ही खाना स्टार्ट करवाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरी बेटी भोग लगा दे रही है बाबा को, और वो खाना ग्रहण करेंगे। उसके बाद फिर सारे गेस्ट और हम सब खाना खाएंगे। फ्रेंड्स, तो भोग लग चुका है बाबा को हमारे। और ये भैया लोग ना खाना सर्व करने जा रहे हैं, टेबल पे खाना लगाएंगे। और सारे गेस्ट आ चुके हैं तो अब खाना स्टार्ट करेंगे सब। तो ये देखिए भैया लोग खाना लगा रहे हैं टेबल पे। फ्रेंड्स, तो खाना लग चुका है और सारे गेस्ट भी खाना खाने में लगे हुए हैं। और कुछ गेस्ट अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ बेडरूम में बैठे हुए हैं। और ये देखिए बच्चों की टोली। और ये बच्चे ना सिर्फ आइसक्रीम ही खाना चाह रहे हैं, खाना नहीं पसंद है इनको, सिर्फ आइसक्रीम आइसक्रीम कर रहे हैं। और सबको सर्दी खांसी लगी हुई है। और ये बाहर ये खाना चल ही रहा है फ्रेंड्स अभी। और ये देखिए सारे बच्चे ना बैठे हुए हैं, आइसक्रीम खाने में लगे हुए हैं। और जो ले चुके हैं दोबारा आ रहे हैं आइसक्रीम लेने के लिए। और ये भाभियाँ लोग हैं जो खाना खा रही हैं। और सब ये देखिए। और फ्रेंड्स, अभी बारिश रुकी हुई है और बहुत परेशान हो गए थे फ्रेंड्स, खाना बनाने में भी दिक्कत हो रही थी। बारिश के ना पूरे बौछार अंदर की तरफ आ रहे थे, पूरा सामने का पोर्च एरिया ना भीग चुका था। और ये मिष्टी का जो बर्थडे सेलिब्रेशन का डेकोरेशन है ना, ये देखिए मिष्टी कैसे देख रही है। और मिष्टी बड़ी प्यारी लग रही है, एकदम डॉल की तरह। और ये देखिए हम लोग यहाँ बैठ के गप कर रहे हैं, बच्चों के साथ साथ ना हमारा भी इंजॉय हो गया इसी बहाने। फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए यहाँ अलग ही पंचायत लगी हुई है। ये मेरी छोटी सी भतीजी है जो सबका हाथ देख रही है, सबका भविष्य बता रही है। और काफ़ी लोगों ने इससे ना अपना भाग्य पूछा है, अब वो तो आगे चल के पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है। और ये मिष्टी की बदमाशी, ये कवर्ड से बाहर निकल ही नहीं रही थी। और फ्रेंड्स, पूरे गेस्ट जा चुके हैं। और ये देखिए किचन का हाल, पूरा किचन फैला हुआ है, बाहर भी फैला हुआ है। और अभी हम लोग ओरियो प्रिंसी को खाना दे चुके हैं। और ये बाहर थोड़ा सा ये धुल रहे थे, बहुत गंदा हो चुका था फ्रेंड्स। और ये सारा सामान,
इधर मिष्टी अपना गिफ्ट लेके बैठी हुई है और गिफ्ट खोल रही है। फ्रेंड्स, उसको गिफ्ट खोलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। बोल रही थी मम्मी मुझे खोलना है, थोड़ा सा वीडियो बना लो। तो फ्रेंड्स देखिए, वो गिफ्ट खोल रही है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैंने ये लंबा होने के कारण वीडियो दो भाग में डाल दिया है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। फ्रेंड्स, तो फिर अब हम भी खाना वाना खा लेते हैं और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट डे कुछ नया लेके। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।